सिंपल क्वेश्चन है, अगर अपन इसको एफएक्स की नजरों से देखोगे ना, तो ये चीज ऑटोमेटिकली आपको एफ डैश एक्स इंटू एक्स नजर आएगी, ठीक है ना। अगर अपन एफएक्स को ln साइन ln x इसको fx मान लें, तो एफ डैश एक्स जो होगा आपका वो cos ln x by x हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, ये जो cos ln x है ये आपका एक्स एफ डैश एक्स है। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर ये एफ एक्स की नजरों से देखोगे तो ये एक्स एफ डैश एक्स है, और एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स एफ एक्स, है ना। तो एक्स के साथ ये एफ एक्स लिख दिया, है ना। आपको वैसे एक बात बता रहा हूं मेरे तजुर्बे से, कि ये जो ln x है ना, ln x ऐसे सवालों में ये ln x का रोल कई बार देखने को मिलता है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन तो हो जाता है अपना 1 by x, तो ये जो x यहां पे आता है ना उस वजह से आ जाता है कई बार। तो इस फॉर्मेट में ln x एक बड़ी इंटरेस्टिंग क्वांटिटी होती है, ठीक है ना।